हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार रफ्तार। और आज हम रिव्यू करेंगे रेनॉल्ट क्विड। भाई, किसी का भी बजट अगर 4 लाख के अंडर है और आपको सही गाड़ी चाहिए तो आप इसकी तरफ 110% जा सकते हो। तो ऐसा कुछ आपको लुक मिलता है, ऐसा आपको ग्रिल मिलता है जो सिल्वर फिनिश में है। यहाँ आपको हैलोजन लाइट्स मिल जाती है और आपको फोग लैम्प भी मिल जाता है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 13 इंच के टायर्स आते हैं, स्टील रिम टायर्स आते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं आते। और ऐसे कुछ लुक है गाड़ी की साइड से। और यहाँ पे आपको साइड मिरर्स नॉर्मल मिलते हैं, हैंड एडजस्टेबल। और इसमें आपको फ्यूल लिड इधर से मिल जाती है। यहाँ पे आपको चारों टायर्स में ही ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ऐसी कुछ है भाई रियर से लुक गाड़ी की। यहाँ पे आपको रेनॉल्ट की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे रेनॉल्ट का लोगो और क्विड का लोगो मिल जाता है। ऐसी आपको टेल लाइट्स मिलती हैं। ये है ऑल ओवर रियर से लुक। और इसमें आपको वही ओल्ड फैशन आपको रूफ माउंटेड एंटीना मिलती है। अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आता है भाई 297 लीटर्स का बूट स्पेस अराउंड 300। और आपको बूट एक्सेस करने के लिए चाबी से, नहीं तो आप अंदर से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेयर टायर टूल किट वगैरह मिल जाती है। इसमें आपको स्पेयर टायर भी सेम साइज़ का मिलता है। और इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एक ब्रेक लैंप मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। रेनॉल्ट क्विड में आपको मिलता है 100 सीसी का इंजन और तकरीबन 67 BHP। और इसमें आपको 99 Nm का टॉर्क मिलता है, ये ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं क्विड के की के बारे में। ऐसे कुछ आपको नॉर्मल की मिलती है, लॉक अनलॉक बस। तो अब चलते हैं भाई गाड़ी के इंटीरियर की ओर। वही शुरू करते हैं फ्रंट डोर से। ऐसे आप लॉक कर सकते हो डोर। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पे आपको डोर ओपनर और यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस है एक बॉटल होल्डर के साथ। ड्राइवर सीट की बात करें तो आपको सिर्फ रिक्लाइन एंगल मिलता है, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता। और आपको हेडलैम्प लेवलर ऐसे कुछ टाइप में मिल जाता है। और यहाँ से आप बूट और फ्यूल लिड खोल सकते हो। एक फीचर और भाई, जैसे ही लॉक अनलॉक करने पे ये स्पीडोमीटर ऑन हो जाता है। ऐसा कुछ आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे बाकी सारे वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप वाइपर के कंट्रोल एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से आप हेडलाइट के कंट्रोल एक्सेस कर सकते हो। ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है रेनॉल्ट क्विड का, जो कि यहाँ से थोड़ा स्टाइलिश टाइप में लगता है। और यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। और ऐसा कुछ आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, पर इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं है। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिल जाती है। और पावर विंडो की बात करें तो इसमें सिर्फ आगे आगे वाले दोनों पावर विंडोज़ हैं, पीछे वाले मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से आप मिरर अप डाउन कर सकते हो ड्राइवर साइड का, और यहाँ से को ड्राइवर साइड का, और यहाँ से डबल साइड चालू कर सकते हो। और यहाँ पे है लॉक अनलॉक का। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो जो कुछ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। और यहाँ पे भी ठीक ठाक स्पेस है। और यहाँ पे भी एक और ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसमें कुछ सामान है। सही है, मतलब आप 1 लीटर का ठीक ठाक डाल सकते हो अंदर। और
यहाँ पे आपको नॉर्मल ORBM मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कैबिन लैम्प मिल जाती है। और सनवाइजर्स की बात करें तो नॉर्मल सनवाइजर्स मिलते हैं। ये 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, और यहाँ पे आपको एक बड़ा कप होल्डर और एक छोटा कप होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे 12 वाट का पावर आउटलेट, यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है आपको। हैंड ब्रेक और आर्मरेस्ट तो है ही नहीं गाड़ी में। चलो भाई, ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट करके चलते हैं रियर सीट में और देखते हैं क्या स्पेस है। आप देख सकते हैं ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। चलो भाई, चलते हैं रियर सीट में। रियर सीट के डोर से शुरुआत करें तो भाई ऐसा कुछ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, डोर ओपनर और यहाँ पे लॉक का, और पीछे आपको नॉर्मल नॉन पावर विंडोज मिलती हैं, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। चलो भाई, चलते हैं। आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है भाई, तो यहाँ पे लेग रूम इतना ठीक नहीं है पर ठीक है, और थाई सपोर्ट भी फुल्ली ठीक है। और हेडरूम की बात करें तो इतना हेडरूम मिल जाता है आपको, और ऐसा कुछ है पूरे गाड़ी का लुक अगर पीछे से कोई पैसेंजर देखता है तो। इस गाड़ी में कोई आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, इस गाड़ी में आपको सारे हेडरेस्ट नॉन एडजस्टेबल मिलते हैं, चारों नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और तो भाई अभी चला के देखते हैं रेलॉन्ट क्विड का इंजन रिस्पॉन्स। चलो भाई चला के। तो भाई अभी अपन चला रहे हैं रेलॉन्ट क्विड, तो भाई इस गाड़ी की हैंडलिंग तो बढ़िया है, और पिकअप में आपको थोड़ा बहुत लैग महसूस होगा, और बाकी स्टेबिलिटी गाड़ी एकदम बेस्ट है स्टेबिलिटी में। और आपको जो सस्पेंशंस है वो थोड़े बहुत तो हार्ड मिलते ही हैं, और भाई सही है हैंडलिंग में गाड़ी, बस सही है गाड़ी हैंडलिंग वगैरह में ओवरऑल। और बस यही है, पिकअप में आपको थोड़ा बहुत लैग महसूस होगा। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और मिलते हैं भाई कभी कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।